यशायाह अध्याय 40। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 40। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है कि मेरी प्रजा को शांति दो, शांति यरूशलेम में शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है और यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है कि जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा के एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट हो जाएगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाले का वचन सुनाई पड़ा कि प्रचार कर। मैंने कहा कि मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। घास सूख गई, फूल मुरझा गया है, क्योंकि यहोवा की सांस उस पर चली। निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कह कि अपने परमेश्वर को देखो, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ रहा है और वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए चलेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके वित्ते से आकाश का परिमाण हुआ और किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपवे में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में किसने तौला है? फिर किसने यहोवा की आत्मा का परिमाण किया व उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? किसने उसको सम्मति दी और समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया? देखो जातियां तो डोल पर की बूंद व पलडो पर की धूली के तुल्य ठहरी। देखो वह द्वीपों के धूली के किनको सरीखे उठता है और लबानोन तो ईंधन के लिए थोड़ा होगा और उसमें के जीव जंतु होम बलि के लिए थोड़े ठहरेंगे। सारी जातियां उसके सामने कुछ है ही नहीं, वे उसकी दृष्टि में लेश और सुनसान सी ठहरी है। तुम ईश्वर को किसके समान बताओगे और उसके लिए किसकी उपमा दोगे? कारीगर मूरत ढालता है और सोनार उसको सोने से मढ़ता और उसके लिए चांदी की सांकले ढालकर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो सड़ने का न हो, और निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर करता है कि वह न डिग सके। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं सुनते? क्या तुमको प्राचीन काल से बताया नहीं गया? क्या तुमने पृथ्वी की नेव पड़ने का विचार नहीं किया? जो पृथ्वी के चारों ओर के आकाशमंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल की नाई फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है, वही पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। वे लगाए भी न गए, वे बोए भी न गए, उनके ठूंठ ने भूमि में जड़ भी न पकड़ी कि उसने उन पर पवन बहाई और वे सूख गए और आंधी उन्हें भूसे की नाई उड़ा ले गए। तो तुम मुझको किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो
कि किसने इनको सिरजा और कौन इनके गणों को गिन गिन कर निकालता। वह उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा बड़ा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें के कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब, तू क्यों कहता है, और हे इसराइल, तू क्यों कहता है कि मेरा मार्ग यहोवा के छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता? क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना कि यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता और न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते तो है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वह नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ते दौड़ते श्रमित न होंगे और चलते चलते थकित न होंगे।